नमस्कार, सिटी आई में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। अमानिशा नाले में हो रही पैदावार को हटाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने उठाया कदम, शुक्रवार से शुरू होगा अभियान। सीआईओ और रसद विभाग की संयुक्त कार्रवाई से सिलेंडर रिफिलिंग के गिरोह का किया भंडाफोड़, रिफिलिंग करते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। जयपुर में प्रदूषित पानी से उगाई जा रही सब्जियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक कार्य योजना बनाई है। अमानिशा नाले में प्रदूषित पानी से उगाई जा रही सब्जियों के कारण होने वाली बीमारियों को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस पर रोकथाम के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रशासन ने कार्य योजना तैयार कर कल से कार्रवाई शुरू करने का निर्णय किया है। कार्य योजना के तहत सब्जियों की खेती को नष्ट करने और दूषित पानी की पाइपलाइन को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 48 किलोमीटर लंबे अमानिशा नाले में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के साथ सांगानेर के छपाई उद्योग और सीवर का पानी निष्कासित किया जाएगा, जिसका उपयोग यहां पर कुछ लोग खेती के काम में ले सकेंगे। इस पानी के उपयोग से उत्पादित सब्जियों में आर्सेनिक एवं सीसा की मात्रा अधिक होने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रदेश के 37,000 निजी स्कूलों की फीस अब उनमें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के मुताबिक अलग अलग तय होगी। बुधवार को शिक्षा संकुल में हुई फीस निर्धारण कमेटी की बैठक में निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कर्नाटक फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनी। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हर स्कूल में सुविधा, बच्चों की संख्या, स्टेटस और फीस स्लैब अलग होता है। ऐसे में सभी स्कूलों पर कॉमन फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। पूर्व न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के 8 जिलों के 76 निजी स्कूलों की फीस तय करने पर सहमति बनी। इन स्कूलों में जयपुर का एक भी स्कूल नहीं है। कमेटी बूंदी और जालौर के 2 स्कूलों की फीस पहले ही तय हो चुकी है। अब तक 78 स्कूलों की फीस तय हो चुकी है। इन स्कूलों की वर्तमान फीस में 30% की कमी आई है। ये वे स्कूल हैं जिनकी फीस तय कर कमेटी ने स्कूलों से आपत्ति मांगी थी। आपत्ति के लिए एक्ट के अनुसार 1 महीने का समय भी दिया गया। आपत्ति देने की तय अवधि खत्म हो जाने के बाद कमेटी ने इन स्कूलों की फीस तय कर दी। अब फीस तय होने का अंतिम आदेश स्कूल को भेजा जाएगा। फीस कमेटी ने भले ही हर निजी स्कूल की फीस अलग से तय करने का मानस बना लिया है, लेकिन इस काम को जुलाई से पहले पूरा करना मुश्किल नजर आ रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीआईयू टीम और रसद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए सिलेंडर रिफिलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चौलाना इलाके में की गई इस कार्रवाई में घरेलू सिलेंडर की व्यावसायिक सिलेंडर में रिफिलिंग करते 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे में भारी मात्रा से सिलेंडर जब्त किए। जानकारी के मुताबिक मुखबिर के जरिए पुलिस को इत्तला दी थी कि बड़ी मात्रा में एक मकान के अंदर घरेलू सिलेंडर से बांसुरी के जरिए व्यावसायिक सिलेंडर में रिफिलिंग की जा रही है। इस सूचना के आधार पर दोनों टीमों ने जालाना इलाके में बने एक मकान में दबिश देकर रिफिलिंग करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 31 घरेलू और 38 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए। 5 आरोपी बड़े पैमाने पर घरेलू सिलेंडर से व्यावसायिक सिलेंडर में रिफिलिंग के इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। आरोपी इन सिलेंडरों की सप्लाई शादी समारोह में किया करते थे। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पुलिस और रसद विभाग की टीम पड़ताल कर रही है। कान्नाराम राजकुमार, नानकराम, रवि कुमार, ओम प्रकाश, ये 5 आदमी वहाँ पर हमने देखा। ये छोटे घरेलू 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडरों से 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडरों में बांसुरी के द्वारा गैस डाल रहे थे, तो इनको रंगे हाथों वहाँ पकड़ा। ये शादी ब्याह में ये छोटे सिलेंडर घरेलू सिलेंडरों से वाणिज्यिक सिलेंडरों में गैस डाल के ये वहाँ शादी ब्याह में बेचना बता रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में हॉस्टल में मैस की राशि बढ़ाने को लेकर छात्राओं में रोष व्याप्त हुआ, जिसके चलते राशि को लेकर छात्राएं धरने पर बैठ गई। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मैस की बढ़ाई गई राशि को वापस ले लिया गया, तो वहीं अब इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में छात्रों और शिक्षकों को शामिल भी किया गया। ये कमेटी तय करेगी कि आखिर कितनी राशि को बढ़ाना है या नहीं। वही राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर एबीवीपी छात्र संगठन ने हॉस्टल फीस बढ़ाने और कुलपति की ओर से छात्राओं को धमकाने का विरोध जाहिर किया। कुलपति का पुतला जलाते हुए नारेबाजी भी की गई। वही इस दौरान यूनिवर्सिटी का मेन गेट भी बंद कर दिया गया, तो वही मौके पर यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने छात्रों को समझाया। गौरतलब है कि बुधवार को हॉस्टल छात्राओं ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था।
राष्ट्रपति जी ने की वार्डन से बात की और फीस जो है बढ़ी हुई फीस है उसको ऑर्डर विड्रा कर लिया है। और दूसरी बात यह कि कमेटी बनाएंगे कि फीस किस अनुपात में बढ़ाई जाए, इस बात का कमेटी बनाई जाएगी। फीस तो वो तो क्या है, फाइनेंस कमेटी है, उसमें फाइनेंस कमेटी में जो भी सिंडिकेट मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट के एमएलए भी होते हैं, और कितनी फीस बढ़ी है वो तो फाइनेंस कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन ये जो छात्रावास की और फीस है वो कमेटी बनाई जाएगी। कुलपति जी ने सुबह लड़कियों को ये कहा कि कमेटी बनाकर निर्णय करेगी किस प्रकार से किन अनुपात में बढ़ाई जाए। बीसीसीआई से सस्पेंड होने के बाद जैसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अब भगवान भरोसे हो गया है। आरसीए की नई कार्यकारिणी को उसके अधर झूल में लटकते भविष्य की चिंता इस कदर सता रही है कि उसे भगवान की शरण में जाना ही वाजिब लग रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला आरसीए दफ्तर पर, जहां भगवान को खुश करने के लिए हवन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस गुरुवार को मनाया गया, जिसमें थैलेसीमिया जैसी बीमारी के लिए लोगों को जागरूक किया गया, तो वहीं जगह जगह कार्यक्रम करके इस बीमारी के बारे में बताया गया। जयपुर में वंशिका आर्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए वर्ष 2007 से रक्तदान शिविर लगाकर व अन्य तरह से सहायता कर रही है। सोसाइटी की सचिव पूजा मक्कड़ ने बताया कि कई सालों से थैलेसीमिया पीड़ितों की सहायता के लिए हमारी संस्था काम कर रही है और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाकर उनकी सहायता भी कर रही है। इस मौके पर राजा पार्क स्थित भगत सिंह पार्क में 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें थैलेसीमिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। अभियान चलाने का उद्देश्य यह है कि कितनी प्रतिशत जयपुर की जनता अभी अवेयर है थैलेसीमिया के लिए, और जब हम सबने ये लोगों से सवाल किए कि थैलेसीमिया क्या है तो ये मालूम चला कि अभी थैलेसीमिया के लिए कोई अवेयर नहीं है। ये हमारा कैंपेन लगातार 8, 9, 10, 9 को गौरव टावर में और 10 को इवनिंग में सेंट्रल पार्क में चलेगा और 11 को शहीद भगत सिंह पार्क के वृद्धा आश्रम में इन्हीं बच्चों के लिए सभी देशवासियों और जयपुर वासियों से रक्तदान की अपील की गई है, क्योंकि इन बच्चों को हर 10 से 15 दिन में रक्त की आवश्यकता रहती है। रक्त इनके लिए एसेंशियल नीड है। तो सभी जयपुर वासियों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पधारकर इस पुनीत कार्य में इस लॉन्ग ड्राइव का हिस्सा बने और अपना रक्त देकर इन बच्चों को जीवन दान दें। इसी प्रकार थैलेसीमिया डे पर सवाई मानसिंह अस्पताल के सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों ने भाग लिया और उनके डॉक्टरों ने उनकी बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टरों ने बताया कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो बच्चे के जन्म के साथ हो जाती है और इस बीमारी में बच्चे के 10 या 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने इस बीमारी की पीड़ितों के लिए मुफ्त दवा दी है और समय समय पर इस बीमारी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस बीमारी का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही संभव है। इस बीमारी के लिए सरकार ने मुफ्त इलाज की सुविधा दी है जो शुरू हो चुकी है। आज थैलेसीमिया डे है और आज थैलेसीमिया अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो थैलेसीमिया है ये इनक्योरेबल है, इसका एक ही मेन जो ट्रीटमेंट है जिसमें हम हाईली क्योरेबल कर सकते हैं वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। और ये फैसिलिटी फॉर्चुनेटली अब हमारे एसएमएस में स्टार्ट हो चुकी हैं एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की, और इन थैलेसीमिक पेशेंट का जो लाइफ है वो हम बिल्कुल क्योर और प्रोलोंग कर सकते हैं अगर ये अर्ली स्टेज में हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करें, लाइक लेस देन 5 या 10 ईयर्स, और जिसमें आयरन ओवरलोड नहीं हो और लीवर की बीमारी नहीं हो, अभी डेवलप हुई हो, तो उसमें ये 90% तक क्योर हो जाते हैं। और ये फैसिलिटी अभी राजस्थान गवर्नमेंट के इनिशिएशन से स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें जो थैलेसीमिक पेशेंट है ये अभी बीपीएल कैटेगरी में काउंट होते हैं, तो इनको पूरी सहायता ट्रांसप्लांटेशन की फाइनेंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। और इन लोगों का मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो भी थैलेसीमिक पेशेंट है जितनी जल्दी हो सके अपनी एचएलए मैचिंग कराएं, और अगर हमारे को एचएलए मैचिंग डोनर मिलता है तो हम इनको क्योर करने का प्रयास करेंगे। श्री वेंकटेश भगवान के वार्षिक ब्रह्मोत्सव की 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आज सांगानेरी गेट स्थित अनाज मंडी स्थित वेंकटेश देवस्थान तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई। इस दौरान श्री भगवान के चरणों में 1.25 लाख तुलसी पुष्प अर्पित किए गए। तो वहीं गुरुवार को 11 देवपाटी विद्वानों के माध्यम से शिव विष्णु सहस्त्र नामावली के साथ पुष्प अर्पित किए गए। मंदिर ट्रस्टी गोविंद नारायण शर्मा ने बताया कि करीब 2.5 क्विंटल गुलाब के फलों को मंत्रोच्चारण के साथ भगवान पर चढ़ाया गया। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अंतिम दिन भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
हमारे भगवान वेंकटेश जी को तिरुपति बालाजी भी कहते, तिरु कहते हैं लक्ष्मी को पति मानी स्वामी, लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु महाविष्णु, वेंकट कली नायको, वेंकटेश भगवान कलियुग में वेंकटेश नाम से प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ जयपुर शहर की चार दीवारी में ये भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे वेंकटेश जी का मंदिर बोलते हैं। इनके मूल श्री विग्रह के अलावा सामने श्री देवी भूदेवी के बीच में ये स्नान चौकी पर विराजमान भगवान है। भगवान का एक वर्ष में एक बार जिस समय प्रतिष्ठा हुई है हम ब्रह्मोत्सव मनाते हैं। ये ब्रह्मोत्सव 3 दिन का होता है। पहले दिन ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिन 2.5 लाख 2.5 क्विंटल गुलाब के पुष्पों से तुलसी पुष्प अर्चना होती है। उसमें ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः आम जनता को आमंत्रित करते हैं और वेंकटेश जी की अर्चना निःशुल्क कराते हैं। पहले दिन ये 12 बजे तक कार्यक्रम चलता है, जो हजारों भक्त जन आते हैं। उसके बाद भगवान की आरती होती है, भोग लगता है, सबको गोष्ठी बांटते हैं, आज का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। द्वितीय दिन गीता के 18 अध्याय और विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, ये 11 विद्वान पंडितों से उच्चारण किए जाते हैं और आम जनता उसको सुनती है, भाग लेती है। तृतीय दिन फिर उसमें आरती और गोष्ठी वितरित हो जाती है। तीसरे दिन हमारा ब्रह्मोत्सव का आखिरी दिन होता है, उस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उस दिन भगवान के चांदी के 81 कलशों में गाय का दूध, दही, जूस, फलों का जूस, गंगा जल, ये सब भर के और उनका उनसे विधिवत पूजन करके और भगवान के अभिषेक किया जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं साइंस एवं कॉमर्स वर्ग की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। साइंस में कोटा के सौरभ पवार और कॉमर्स में भरतपुर के मृदुल टॉपर रहे। छात्र अपना परीक्षा परिणाम शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए विज्ञान संकाय के छात्र सीनियर सेकेंडरी साइंस 2014 रिजल्ट वेबसाइट के लिंक पर और कॉमर्स संकाय के छात्र सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स 2014 रिजल्ट लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट देख सकेंगे। विज्ञान वर्ग के इस वर्ष परीक्षा के लिए कुल 183,584 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। वाणिज्य वर्ग में इस वर्ष के लिए कुल 84,244 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत किए। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग परीक्षा 2014 की अंक तालिकाओं की प्रतिलिपि बोर्ड के संभाग मुख्यालयों पर स्थित विद्यार्थी सेवा केंद्रों से शुक्रवार से प्राप्त की जा सकेगी। आम चुनाव के बाद महंगाई कम होने की उम्मीद लगाए बैठे लोग फिलहाल अपनी रसोई का बजट संभालने में लगे हुए हैं। सब्जियां, फल और घी, दूध, दही, छाछ भी महंगे हो चुके हैं। बंपर पैदावार के चलते गर्मियों में टमाटर कुछ राहत दे रहा है, लेकिन इसमें भी किसान लागत तक नहीं निकाल पा रहे। 1 रुपए किलो भाव में खरीदा गया किसान का टमाटर मंडी पहुंचते 5 से 10 रुपए किलो मिल रहा है। थोक भाव में 2 से 3 रुपए किलो। तो वहीं सब्जी में आलू प्याज ज्यादा बिक रहा है क्योंकि इनकी कीमत 16 से 20 रुपए किलो है। मुहाना, लालकोटी व जनता बाजार मंडी और ठेले वालों के भाव में बड़ा अंतर है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में मंडी टैक्स खत्म करने से वहाँ सब्जियों की कीमत आमतौर पर यहाँ से कम है। वहाँ सब्जियों का उत्पादन भी ज्यादा होता है, लेकिन वहाँ से बड़ी मात्रा में सब्जियों की अच्छी कीमत मिलने से दिल्ली भेजी जाती है। मौसम की मार और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च के चलते भी सब्जी महंगी हो जाती है। राजधानी जयपुर में राजस्थानी फिल्म तांडव का प्रमोशन किया गया। इस मौके पर फिल्म के कलाकार और डायरेक्टर मौजूद रहे। इस मौके पर इस बैनर की आने वाली फिल्म रघुपति राघव राजा राम का मुहूर्त भी किया गया। राजस्थानी फिल्म के निर्माता नंद किशोर मित्तल ने सरकार से राजस्थानी कलाकारों की ओर देखने और उनकी दुर्दशा के बारे में भी बताया। मित्तल ने फिल्म की स्टोरी के बारे में बताया कि उनकी फिल्म 2 गांवों की कहानी पर आधारित है, जिसमें पूर्वजों की लड़ाई को दिखाया गया है, जिसे आज की पीढ़ी अपनाए हुए है। तो वही निर्देशक लखविंदर सिंह ने बताया कि फिल्म को राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर और झुंझुनू में फिल्माया गया है, जिसकी कहानी रोमांचित करने वाली है, जिसमें सभी कलाकार राजस्थान से हैं। हमारी जो फिल्म हमने तांडव लास्ट ईयर अनाउंस की थी, उसको उसका प्रोमो हमने आज रिलीज किया है यहाँ पे, और वेरी सून मोस्ट प्रोबेबली 16 मई को वी आर गोइंग टू रिलीज दिस फिल्म इन थ्रू आउट द राजस्थान, और बहुत ही जल्दी हम थ्रू आउट इंडिया इसको रिलीज कराएंगे। क्या है इस तांडव में? इस तांडव में बेसिकली हमने कोशिश की है ये दिखाने की कि किस तरह से 2 गांव के लोग अपने पूर्वजों के मरने के बदले लेने के लिए नई नई जाने हमेशा एक दूसरे के दुश्मन, खून के दुश्मन हो गए, एक दूसरे के गांव के खून के प्यासे हो गए, और एक दूसरे के गांव को मिटाने की उन्होंने ठान रखी है।
और उसके लिए जो भी नजर आ जाए उसको मार देते हैं। उनका एक ही मकसद होता है और उससे उनको लगता है कि हमारे पूर्वज जो पहले मारे गए हैं इस दुश्मनी में वो खुश होंगे। उनकी खुशी के लिए वो अपने नए आने वाली पीढ़ियों को खत्म करते चले जा रहे हैं। मीना गुज्जर पहली फिल्म थी भवरी थोर हुकुम, अभी जस्ट रिलीज की, और मेरे लिए अच्छी बात यह है, हालांकि राजस्थान में कोई मेकर आज तक इतने दिनों तक चला नहीं, पिछले 30 सालों में ये हमारी कंपनी है जो जिन्होंने रेगुलर फिल्में बनाई हैं, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऊपर वाले का जिसने मुझे अच्छे प्रोड्यूसर्स दिए। मित्तल साहब एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, इनके अंदर राजस्थानी फिल्म्स को लेके और राजस्थानी कलाकारों का जो दर्द है वो इनके अंदर है। ये चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री आगे बढ़े। 100 में से मुश्किल से एक या दो ऐसे लोग हैं जो रियल में काम करना चाहते हैं। 80% लोगों ने इंडस्ट्री को 80% लोगों ने इंडस्ट्री को नेगेटिविटी दी है। राजस्थानी फिल्मों की दुर्दशा बहुत बुरी है, हमारी पंजाबी फिल्में बहुत अच्छी है, भोजपुरी फिल्में बहुत अच्छी है, गुजराती है, साउथ है, बंगाली है, इन सब का इनकी ऑडियंस और इनको लोगों का प्यार और फिल्मों की जो पोजीशन से बहुत मजबूत है। लेकिन राजस्थान में सब कुछ होने के बावजूद एक बहुत अच्छी खूबसूरत लोकेशन से, अच्छे कलाकार से और बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही। मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान की जो पब्लिक ये हमारे आपके माध्यम से जो ये मैसेज सुन रही है, राजस्थान की जो सरकार ये मैसेज सुन रही है, मैं चाहता हूँ कि वो इस राजस्थान के कलाकारों का दुख दर्द समझे। बॉलीवुड का भी जो एक्शन फिल्म है वही राजस्थान में चलती, तो हमने भी वही कोशिश की कि हम राजस्थान में एक्शन फिल्में बनाएं ताकि लोगों को अपनी भाषा से, अपने कल्चर से जुड़ें, और वो भी अगर अपने परिवार के साथ फिल्म देखना जाना चाहे तो वो देखे एटलीस्ट की फिल्मों से भाषा को थोड़ा प्रमोशन मिलता है, एक प्यार बढ़ता है लोगों के अंदर। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि फिल्में बनाएं, लोग देखें और किसी तरह से इंडस्ट्री खड़ी हो। और आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। अमानिशा नाले में हो रही पैदावार को हटाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने उठाया कदम, शुक्रवार से शुरू होगा अभियान। सीआईओ और रसद विभाग की संयुक्त कार्रवाई से सिलेंडर रिफिलिंग के एक गिरोह का किया भांडाफोड़, रिफिलिंग करते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।